अनिल अंबानी उनका भाई, वो बेचारा शादी में आया, लोग उसके ऊपर तरस खाने लग गए। भतीजे की प्रीवेडिंग में इस हाल में पहुंचे मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी। हे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रिएक्टिंग। मेरा नाम है तंजील और आज देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल रिएक्टिंग। सो गाइस, आज मैं रिएक्ट करने वाला हूं रजत पवार की एक वीडियो पर जो कि उन्होंने अनंत अंबानी के प्रीवेडिंग सेरेमनी के ऊपर बनाया। आई थिंक मेरा ख्याल है कि फनी वीडियो होगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो लेट्स चेक इट आउट। आई एम 100% द लकी वन, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अरे हाँ, बिल्कुल आप लकी हैं, क्योंकि आपकी मम्मी तो आपसे बोल भी नहीं सकती ना कि थोड़ा कम खर्च कर ले, तेरा बाप अंबानी नहीं है। मेरी बोल देती है, और यहाँ पर पड़ोस में शादी हो जाती है पता नहीं चलता, और आपकी शादी वहाँ गुजरात में हुई है। यहाँ भोपाल तक नंगे बच्चे नाचे कि नाचो अंबानी जी की शादी है। उन बेचारों को ये तक नहीं पता कि ये शादी नहीं है। ना नक्सो, बिल्कुल नहीं, ये तो प्री वेडिंग है, और जब प्री वेडिंग ऐसी है तो शादी तो जून जुलाई में है, वो ना जाने कैसी होगी। प्री वेडिंग के लिए जो जगह ली गई है वो एक काफी ज्यादा छोटा एरिया है अंबानी जी की नजरों में, जहाँ काफी ज्यादा नॉर्मल लोग आए थे अंबानी जी के हिसाब से, और पास के एरिया के कुछ दोस्त भी बुलाए थे क्योंकि अंबानी जी के लिए दुबई पास में है, और एक डाकिया दोस्त भी आया था जो आपके मैसेज इधर उधर भेजता है, एक टेलर जो छोटे मोटे लोगों के कपड़े डिजाइन करता है। अंबानी जी के लिए बॉलीवुड वाले छोटे मोटे लोग ही हैं। और हाँ, शादी में मतलब प्री वेडिंग में रिहाना भी आई थी, जिसने करोड़ों रुपए लिए ऐसा नाचने के लिए। वाह, क्या डांस है। गांव का गुज्जू 50 रुपए के पौवे में फ्री में ये केकड़ा डांस कर देता। अरे अंबानी जी मुझे बता देते, मैं आ जाता आपकी शादी में, फ्री में ठुमके लगा देता। एटलीस्ट 2500 डिशेस तो खाने को मिलती। जी हाँ, शादी में 2500 डिशेस थी। Over 3 days, a total of 2,500 dishes will be on the menu, and सोचने वाली बात है क्या क्या हो गई यार। During the grand event, इनकी शादी में मतलब प्री वेडिंग में 2500 डिशेस थी। यहाँ 2500 थाली में शादी नहीं पट जाती है। और अच्छा ही हुआ जो मुझे नहीं बुलाया, मतलब 2500 डिशेस है, 1500 टेस्ट करते करते मेरा पेट भर जाता, फिर घर आके रिग्रेट करना पड़ता, 1500 डिशेस तो टेस्ट ही नहीं कर पाया। और हमारे यहाँ की शादी में इतनी भीड़ होती है कि प्लेट में चाउमीन आने से पहले खत्म हो जाती है, और इनके यहाँ की शादी में चाउमीन ढूंढते आदमी खत्म हो जाएगा। और कितने ही डिशेस बनवा लो, सबसे ज्यादा भीड़ फुल्की के ठेले पे ही लगेगी, क्योंकि भाई आदमी नॉर्मली कितनी ही फुल्की खा ले, शादी में फुल्की बिल्कुल नहीं छोड़ता। वो अलग बात है, मैंने आज तक किसी शादी में फुल्की नहीं खाई। क्यों, शादी में भी गाली खाके ही पेट भर लेता है क्या? या, 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 या। साले चार मीनार की चाउमीन, वहां पर आंटियों की इतनी भीड़ रहती है, पता लगा चाउमीन खाने गया किसी आंटी के पति के हाथ की पिटाई खा के आ रहा हूँ। पर मेरी पिटाई से ज्यादा दुख की बात यह है कि बेचारी रिहाना का जानवी कपूर ने गलत फायदा उठा लिया इस प्री वेडिंग में। ये बहुत वायरल हुआ है। शादी में सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ना जाने कौन कौन सा स्टार आया है, सुपर स्टार आया है, और बेचारी रिहाना को नाचना किसके साथ पड़ रहा है? इसके साथ। और देखने में लगे सर आए कि पड़ोसी के बच्चे को जबरदस्ती रिहाना की छाती पे चोड़ गए कि अब जबरदस्ती उसके साथ खेलना पड़ेगा, और वो पीछे वाली आंटी ना जाने किस नशे में क्या पता कहाँ कहाँ उंगली दिखा रही है। पर बॉलीवुड की खबर सुनाने वाली अंटियों का ध्यान इन सब पे नहीं गया, उनका गया एक अलग ही जगह पर, उनके अलग नशे होते। ओ माय गॉड, राधिका मर्चेंट डांसिंग विद एकॉन इन फ्रंट ऑफ अनंत अंबानी। ना 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 ना। ये थंबा थंबा, इसमें ओ माय गॉड करने वाली क्या बात थी, और इन फ्रंट ऑफ अनंत अंबानी क्या होता है? बेचारी डांस भी ना करे, ये वही आंटियां यूट्यूब पे आ गई हैं जो किसी की लड़की को अगर फुल्की खाते भी देख लेती हैं तो उसके मम्मी पापा को जाके बोलती है, तुम्हारी बेटी फुल्की वाले से अगर से बात कर रही थी, देखना जरा हाथ से ना निकल जाए। और उधर उस बेचारी बेटी को टेंशन है कि कहीं हाथ से सूखी फुल्की ना निकल जाए। बाकी मुझे तो सबसे ज्यादा टेंशन बेचारे बॉलीवुड वालों की हो रही है। पिछली बार जब अंबानी जी की बेटी की शादी हुई थी तो सबको वेटर बना दिया था लाइन से। ये तो प्री वेडिंग है, अभी शादी तो हुई नहीं है अनंत अंबानी की। आइला, ये ले सब्जी, कटोरी चांदी की, कटोरी जेब में मत रख। देख लिया मैंने, मैं यहाँ डायलॉग नहीं मार सकता, काम करने दे अच्छे से। हाँ, रिश्ते में तो हम तुम्हारे वेटर लगते हैं। ये ले मिठाई, जल्दी चलो यहाँ से, वरना ये जुम्मा जुम्मा पे नचवा भी देंगे। सॉरी दोस्तों, बड़ी गंदी मिमिक्री थी। बाकी बॉलीवुड वाले तो अंबानी जी के लिए कॉलोनी में घूमते नंगे पुंगे बच्चों जैसे हैं। जब मन किया बुलवा लिया, बस में भरवा दिया, पूरा का पूरा झुंड समेट दिया एक साथ अंदर, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान को साथ में नचवा दिया, वो भी नाटू नाटू पे, और साथ में ऐसे नाच रहे थे लग रहा था चाचा मामा फूफा तीनों बच्चों का अलायंस हुआ है और सबने मिलकर डांस प्रैक्टिस करी है बहुत दिन तक। और शादी में रणवीर सिंह भी आया था दीपिका पादुकोणे के साथ, बेचारा जल्दी जल्दी में बीवी की हील्स पहन के आ गया। भाई कमेंट में एक बंदा बोल रहा है कि दीपिका की सिर्फ बॉडी इधर है, माइंड तो उसका कहीं और ही है, किसी और के साथ। बाकी अभी दीपिका प्रेग्नेंट थी, इन लोगों ने शादी में अनाउंस किया
तो जब से पता चला है मीडिया वाले जहां वीडियो डाल रहे हैं वहां पर प्रेग्नेंट दीपिका जरूर लिख रहा है। ऐसा लग रहा है प्रेग्नेंट नाम है और दीपिका तो सरनेम है, हर जगह प्रेग्नेंट दीपिका। और कमेंट में तो एक इंसान ने नाम भी सजेस्ट कर दिया कि बच्चे का क्या रखना है। इफ इट्स डॉटर फॉर देम हर नेम शुड बी अनिका, रणवीर प्लस दीपिका, ए एन और ई का अनिका। और इसका खुद का नाम क्या है? ब्लूबेरी। ब्लूबेरी नाम रख के सेलिब्रिटी इसके बच्चों का नामकरण किया जा रहा है, ये कलयुग नहीं तो क्या है। बाकी अंबानी जी की बात की जाए तो आदमी कितना ही खर्चा कर ले, कितने अच्छे काम कर ले, पर उसको ट्रोल करने के लिए चार लोग तो मिल ही जाते हैं। ये देखो अनंत अंबानी की स्पीच में थोड़ी सी गलती क्या हो गई, ट्रोल करना शुरू कर दिया। हाथ जोड़कर सबसे माफी भी मांगना चाहता हूँ कि हमारे तरफ से अगर किसको भी कोई कष्ट पहुंचा हो तो आप उसे हंसी हंसी हंस कर आनंद ले लो। और अगर सच में कष्ट पहुंचा है तो उस कष्ट का आनंद ले लो हंस कर। और अगर ज्यादा कष्ट हो रहा है तो फेंको अंबानी जी इन सबके मुंह पे एक एक दो दो लाख रुपए। सच में आनंद लेना पड़ेगा और एक्सेप्ट करनी पड़ेगी अपोलोजी। अमीर आदमी ने गलती की नहीं कि हंसना शुरू कर देंगे, अभी वो हंस देगा हमारे बैंक अकाउंट पर। यहाँ मेरे पूरे खानदान में किसी की शादी में दूल्हा दुल्हन ने परोसा नहीं है खाना, इतना अमीर हो गया बेचारे दूल्हा दुल्हन खाना परोस रहे हैं। प्री वेडिंग तो होती नहीं ना यहाँ, तो मैं उसको कैसे कंपेयर करूँ, वेडिंग होती सीधी। बाकी देखो दूल्हा दुल्हन ने कैसे लड्डू परोसे। अरे जल्दी क्लिक कर लो, लड्डू खाने वाले मुंह खोल के बैठे, मक्की चली जाएगी उसके मुंह में। आपको खाना है लड्डू? अरे नहीं, हम आपकी फोटो वीडियो भेज के पैसे खाएंगे। वैसे हमारे लड्डू में सोने के सिक्के थे। अरे गलती हो गई, लड्डू खाना लड्डू। पर देख के चबाना, एक अंकल के पांच दांत टूट गए, पोपला बोल रहे हैं सब उन्हें, इन्हें पांच लड्डू दे दो। अच्छा पांच चाहिए, पांच खा लेगा? अच्छा बीबी को खिला के उसको पोपला करेगा? तो दीपू जी मतलब इतना ज्यादा पैसा होने के बावजूद भी देखो कितने ज्यादा डाउन टू अर्थ है। और एक मेरे रिश्तेदार है, 5-10 हजार के लड़के की जॉब क्या लग जाती है, आग लूटने लग जाते हैं छाती पर। और अगर हमारी 20-25 हजार की लग जाए तो उनके पिछवाड़े में आग लग जाती है। और एक तरफ अंबानी जी के रिश्तेदार है अनिल अंबानी, उनका भाई, वो बेचारा शादी में आया, लोग उसके ऊपर तरस खाने लग गए। भतीजे की प्रीवेडिंग में इस हाल में पहुंचे मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी। अनिल अंबानी का ऐसा हाल देख लोगों ने कही ऐसी ऐसी बातें, कैसी हालत में पहुंच गया और कैसी कैसी बातें हुई। भाई तू जवाब भी तो दे, आदमी है, क्वेश्चन पेपर कितने क्वेश्चन पूछता है। अब तेरे सवाल के जवाब ढूंढने के लिए 2020 खरीद के लाऊं क्या मार्केट से? और मेरे को तो कहीं से फटे पुराने कपड़े नहीं दिख रहे अनिल अंबानी के, जो कैसी हालत कर रहे। बिजनेसमैन है वो, बॉलीवुड वाला नहीं है जो चमकीले कपड़े पहन के आएगा। ऊपर से लोगों को जज करने में बड़ा मजा आता है, देखो गरीब आया है गरीब। भाई वो गरीब अभी भी तुमसे ज्यादा कमा रहा है और प्राइवेट प्लेन में घूम रहा है, तुम घूम रहे हो 11 नंबर की गाड़ी में, तो उसको जज करना छोड़ो, अपनी फटी झोली में झांक के देखो पहले क्या हालत हो गई है। वही दूसरा लिखता है, रिहाना को भी तो 52 करोड़ देकर बुलाया, अनिल सर को भी नए कपड़े दिलवा देते। वही तीसरा यूजर लिखता है, किस्मत बहुत बड़ी चीज है यार, एक बाय आसमान पर और एक बाय जमीन पर। हाँ वो आसमान में वो जमीन में और तुम अपने फोन में, ये वही मच्छर है जो बल्ब के ऊपर बैठकर खुद को जुगनू समझने लग जाते हैं। अरे मतलब एक आदमी अगर सिंपल है तो अच्छी बात है, पर नहीं, अंबानी जी ने उसको इतने करोड़ दिए, अपने भाई को भी कपड़े देते थे, तुम अपने रिश्तेदारों को कौन से कपड़े देते हो भाई जो दूसरे रिश्तेदारों से तुम्हें मिले होते, तुम वो कपड़ा 25 सालों से इधर उधर घुमा रहे हो। अंबानी जी ने कुछ बोला। और हाँ कपड़ों से याद आया, ईशा अंबानी, अंबानी जी की बेटी, वो भी बहुत अमीर है। ईशा अंबानी अपनी ज्वेलरी से इतना ज्यादा प्यार करती है और वो अपनी पुरानी ज्वेलरी को फेंकती नहीं है। क्या 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 नहीं करती पुरानी ज्वेलरी के साथ? पुरानी ज्वेलरी को फेंकती नहीं है। हम गरीब जरूर है, गधे नहीं है, इतना हमें समझ आता है। माना अंबानी जी की बेटी है, बहुत पैसा है, पर अंबानी जी की बेटी है बिजनेसमैन की, उसको पता है कि क्या फेंकना है और क्या नहीं फेंकना है। ज्वेलरी फेंक देती होगी, बोल तो ऐसे रही है जैसे इसके डस्टबिन में सोना चांदी ही पड़े रहते होंगे। और एक तो इन लोगों की दुनिया ही अलग है, उन लोगों की शादी सगाई मतलब प्री वेडिंग हो रही है, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि अनंत अंबानी इतना मोटा क्यों, इनको दिक्कत है कि हमें बताओ सगाई हो गई शादी होने वाली है पतला क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन 4 साल बाद 2020 में जन्मदिन पार्टी के वीडियो लीक में फिर से इनका वजन बढ़ा हुआ दिखा। 2022 में ईशा अंबानी के जुड़वा बच्चों के वेलकम पार्टी में भी इनका वजन बढ़ा हुआ था। अरे रे रे वजन बढ़ा हुआ दिख गया, बहुत दिक्कत है, जाके उसके पेट पर थपकी मार के कम कर दे चुगली खोर आंटी। इस बात पर नीता अंबानी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अनंत अंबानी को दमा की बीमारी है जिसके लिए उन्हें स्टेरॉइड जैसी कड़ी दवा दी जाती है, जिसके साइड इफेक्ट्स की वजह से इनका वजन हमेशा बढ़ता ही रहता है। दिल से एक लाइक अनंत अंबानी के लिए कीजिए। अरे एक मिनट थाम्बा, एक मिनट दिल से लाइक करने दो, नहीं हो रहा यार दिल से तो उंगली से कर दूं क्या? तो दोस्तों तुम भी अपनी उंगली से वीडियो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो, ओके? तब तक अपन गिफ्ट देख लेते कि अंबानी जी को शादी में क्या क्या गिफ्ट मिले, मतलब प्री वेडिंग में। मेरी गलती नहीं है यार, ऐसी प्री वेडिंग कौन करता है, ये ऐसी तो शादी भी नहीं हो रही लोग। पूरा का पूरा बॉलीवुड स्पॉट किया गया है अंबानी के प्री वेडिंग इवेंट्स में, जमनगर में हुए इन सारे इवेंट्स ने सभी का दिल जीत लिया है। वो तो सब ठीक है, आप बताओ मुझे किसने क्या क्या गिफ्ट दिया है, क्योंकि थंबनेल में आपने सोने का प्लेन डाला है।
आपके दिमाग में क्या सोने का घू भरा हुआ है? शाहरुख खान ने आनंद और राधिका को इस खुशी के मौके पर एक मर्सिडीज कार गिफ्ट की जिसकी वर्थ है 8 करोड़ रुपए। वहीं रणबीर और दीपिका ने राधिका और आनंद को शादी पर डायमंड कस्टमाइज्ड वॉच सेट गिफ्ट किया जिसकी वर्थ है 10 करोड़ रुपए। भाईजान सलमान खान ने राधिका और आनंद को शादी पर दुबई में एक अपार्टमेंट गिफ्ट किया है जिसकी प्राइस है 30 करोड़ रुपए। रिहाना ने राधिका को शादी पर गोल्ड और डायमंड हील्स गिफ्ट की और साथ ही आनंद को डायमंड चेन और डायमंड ब्रेसलेट और इन सभी गिफ्ट की प्राइस है 30 करोड़ रुपए। अनन्या पांडे भी इस इवेंट में अपने फ्रेंड्स के साथ स्ले करती हुई स्पॉट की और उन्होंने स्टेज पर अपने डांस का जलवा दिखाया और इन्होंने इस कपल को शादी पर एक पियानो गिफ्ट किया जिसकी प्राइस है 12 करोड़ रुपए। अरे यार, तुमने सबका गिफ्ट बताया और उसका तो बताया ही नहीं, रजत पवार का। मेरा, मैंने भी तो गिफ्ट दिया था। मैंने दी थी दोस्तों सोने और डायमंड की चड्डी 450 करोड़ की, पर उसको अंबानी जी पहन नहीं पाएंगे, एक्चुअली डायमंड गड़ जाएंगे ना थोड़े से। क्या पता कहां से ढूंढ के लाते हो भाई तुम लोग, किसने क्या गिफ्ट दे दिया, कोई बताता भी है तुम्हें, कोई सोर्स है या मन से ही तुक्का लगा देते हो? इसका ये लिख देते हैं। और पकड़ी तो ये वहीं पे गई थी जहां इसने बोला कि अनन्या पांडे ने 12 करोड़ का पियानो दिया है। अनन्या पांडे सिर्फ गंदे एक्सप्रेशन दे सकती है, गिफ्ट विफ्ट नहीं। पर अगर इन लोगों ने सच में भी ये सब दिया होता तो भी इनके गिफ्ट इतने एक्सपेंसिव नहीं थे, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट ये आंटी ने दिया था। काफी सारे लोग बोल रहे थे कि इतने अमीर आदमी को आंटी 100-200 रुपए क्या दे रही है, पर आंटी जी ने 100-200 रुपए नहीं दिए, आंटी जी ने आशीर्वाद दिया है जिसकी कोई प्राइस नहीं होती है। और सोचो इतना अमीर आदमी भी झुक के ले रहा है वो 100-200 रुपए, यही तो संस्कार है ना, यही तो सीखने की चीज है अंबानी फैमिली से। पर अंबानी फैमिली से सिर्फ यही नहीं सीखना है हमें, और भी बहुत कुछ सीखना है, जैसे कि मोटिवेशनल स्टोरीज देख लीजिए, इससे भी आप काफी कुछ सीखेंगे। एक बार मुकेश अंबानी दिल्ली के एक 5-स्टार होटल पहुंचे, जहां खाना खाने के बाद वेटर बिल लेकर आया। मुकेश अंबानी ने कहा, वेटर मेरे पास पैसे नहीं है। वेटर ने कुछ सोचते हुए अपना पर्स निकाला, उसमें से 4,000 रुपए मुकेश अंबानी को दिए और कहा, सर जब कभी आपके पास ये पैसे हो जाए तो लौटा देना। मुकेश अंबानी वेटर से काफी खुश हुए और जेब से 50,000 रुपए का चेक देते हुए बोले, ये तुम्हारी टिप। वेटर ने पूछा, कौन है? मुकेश अंबानी ने कहा, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? इसके लिए मैं तुम्हें एक मोटी रकम दूंगा। वेटर तुरंत तैयार हो गए। उसने होटल के मैनेजर से कहा, मैं आपकी नौकरी छोड़ रहा हूं। मैनेजर ने कहा, तुम मेरे दोस्तों और मुझे तुम्हारी जरूरत है। वेटर ने कहा, बाहर में जाए तुम्हारी दोस्ती और तुम्हारी ये नौकरी। और मैं मुकेश अंबानी के पास गया। मुकेश अंबानी ने कहा, सॉरी, जो पैसों के लिए अपनी परसों पुरानी दोस्ती को तोड़ सकता है, मैं मुझे कभी भी धोखा दे सकता है, और मैं ये कहकर चले गए। बेचारे वेटर का तो मुंह मुंह हो गया, और बेचारे अंबानी जी भी जब ये स्टोरी देखेंगे ना तो वो भी सोचेंगे कि ऐसा कौन सा दिन था जब अपने सारे काम धंधे छोड़कर मैं एक वेटर की जॉब खाने निकला था। चलो आज इस वेटर को अनएम्प्लॉय करते हैं, बेरोजगार बनाते हैं। एक बार नीता अंबानी मुकेश अंबानी को ढूंढते हुए छत पर पहुंचे, वहां मुकेश अंबानी पूजा कर रहे थे। कौन सी नोनी? नीता अंबानी मुकेश अंबानी को ढूंढते हुए छत पर पहुंचे, वहां मुकेश अंबानी पूजा कर रहे थे। अबे थम्मा, नोनी बोनी क्या होता है? अंबानी है अंबानी, ठीक से बोल या अपने एरिया का जियो का टावर उखड़वा के मानेगा। नीता अंबानी ने कहा, आप यहां छत पर बैठे हो, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूं। यह सुनकर मुकेश अंबानी ने मुस्कुराते हुए कहा, पर मुझे एक चीज समझ नहीं आई, जब सवाल नीता अंबानी नोनी ने पूछा था तो फिर ये जवाब अंबानी नोनी जी रणवीर कपूर को क्यों दे रहे हैं? नीता अंबानी ने कहा, वो सब छोड़िए, मुझे 500 का खुला चाहिए। मुकेश अंबानी ने बहुत सोचा, 500 का खुला दो या ना दो, फिर अपने जेब में हाथ डाला और खुले पैसे मिल गए। नीता अंबानी को खुले पैसे देते हुए कहा, आज मेरे पास 500 रुपए ही है। नीता अंबानी ने खुले पैसे लिए और चल दिए। मुकेश अंबानी ने कहा, रुको, 500 का नोट तो देते जाओ। नीता अंबानी ने कहा, मिस्टर अंबानी, मैंने कब कहा मेरे पास 500 का नोट है, मुझे तो 500 का खुले चाहिए थे, वो भी मिल गए। नीता अंबानी ने जाते जाते मुकेश अंबानी को थैंक यू कहा। मुकेश अंबानी सोचते रह गए, कल मैंने क्यों नहीं कहा मेरे पास 500 का खुले नहीं है। नहीं नहीं, गलती इसकी नहीं है वीडियो बनाने वाले की, गलती मेरी है जो मैंने पूरी वीडियो देखी, और वो तो सही बोल रहा था, ये वीडियो किसी नोनी बोनी की है, क्योंकि अंबानी जी के घर 500 करोड़ के डिस्कशन होते हैं, 500 रुपए के नहीं होते। और दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को इतना शेयर करना कि वीडियो अंबानी जी तक पहुंच जाए और वो मुझे अनंत अंबानी की शादी में बुला ले, फिर वहां जाके बढ़िया व्लॉग बनाऊंगा, है कि नहीं? मजा आएगा। मैं तो जुलाई में शादी, जब तक धड़ शेयर कर दो। और बाकी व्लॉग अगर उन्होंने नहीं भी बुलाया तो मैं तो अपनी बहन की शादी का बना ही चुका हूं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो ब्लॉग चैनल पे जाके देख लो और वहां पे 100K करवाओ जल्दी से दोस्तों। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। मम्मी नोनी बोनी की शादी में जा रहा हूं, क्या मतलब जान पनीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है शादी में कम खाना? ओके जी, ये तो भाई कमाल का वीडियो था और अच्छी तरह से उसने क्लास ली, मतलब के जितने लोग थे, अब हर यूट्यूबर जो भी मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, जिस तरह के मुकेश अंबानी के सन की वेडिंग, अनंत अंबानी के उसकी शादी का ट्रेंड चल रहा था पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें हर बंदे ने अपनी अपनी कोई ना कोई गॉसिप या अपनी अपनी कोई ना कोई जो सी है ना मिथ क्रिएट की होगी कि भाई हाँ जी इसको ये हो गया, फलां को ये हो गया, इस तरह के बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं और इनको सीरियस नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसमें यह है कि इंजॉय करना चाहिए, हंसना चाहिए, बस ये यहाँ तक होना चाहिए। अनंत अंबानी की जो थी प्री वेडिंग सेरेमनी थी, जिस तरह की आप सब लोग ही जानते होंगे कि भाई ये एक एशिया का पूरे का एक जो सा ना एक नेक्स्ट लेवल वेडिंग प्लान था, जो कि अभी प्री वेडिंग प्लान था ये, और इस तरह का भी पूरे एशिया में कभी इस तरह का शादी नहीं देखा होगा किसी ने, तो जिसमें 1300 करोड़ रुपया एक बंदे ने लगा दिया अपनी प्री वेडिंग पर, पता नहीं शादी पर अब कितना लगेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट
कि भाई 5,000 करोड़ के आगे पीछे कोई लगेगा इसकी शादी पर, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि प्री वेडिंग में अगर 1,300 करोड़ लग रहा तो शादी में आई थिंक इतना को लग जाएगा। और अभी भी वो कह रहे हैं कि उनको अभी प्लेस छोटी लग रही थी, अभी सारा उन्होंने बॉलीवुड बुला लिया, बाहर से किस किस को बुला लिया, रियाना को और पता नहीं कौन कौन। यार मुझे तो, मैं तो कभी ज़िंदगी में उस आर्टिस्ट को देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था, जिन जिनको अंबानी जी ने अपने प्री वेडिंग में भी इनवाइट कर लिया। अब देखें शादी पे कौन कौन आएगा, क्योंकि अंबानी जी हैं तो भाई कुछ भी कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या एक्सपेक्टेड प्राइस होगी, कि मतलब क्या एक्सपेक्टेड बजट होगा अंबानी जी का, कि जो अपने बेटे की शादी पर लगाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो गाइस होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।